हे गाइस, वेलकम बैक टू एंजॉय योर पैशन। मैं हूं आपकी दोस्त अनामिका शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक आयुर्वेदिक पौधे के बारे में जो कि डायबिटिक प्रॉपर्टीज, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, और ये मधुमेह के पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है। इसकी पत्तियों में ऐसा कंपाउंड्स पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल को ठीक करता है। तो इस पौधे की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ के कारण इस पौधे को फार्मर्स के बीच में प्रमोट किया जा रहा है इसकी खेती के लिए। तो हम बात करें यहाँ पर इंसुलिन पौधे की। इंसुलिन पौधे को स्पाइरल फ्लैग भी बोला जाता है या फिर फेरी कॉक्टस भी बोला जाता है। और इसका अगर हम बॉटेनिकल नेम जाने तो इसको बॉटेनिकल नेम में इसको बोला जाता है कैमिकॉस्टस कॉस्पिडेटस बोला जाता है। ये नॉर्मली ब्राज़ील का पौधा है और इंडिया में दो स्टेट्स जो कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसकी बड़े पैमाने पर खेती स्टार्ट की गई शुरू में। अभी ये पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इसकी खेती पे जोर दिया जा रहा है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के कारण ही। ये इंडिया में नॉर्मली हिमाचल के नीरी बोटैनिकल गार्डन में इस पर रिसर्च है, इसका रिसर्च सेंटर है, जिससे कि हमको पता चला कि फ्रेंड्स, अगर हम प्लांट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो जो हमारा प्लांट है इंसुलिन प्लांट, इसे स्पाइरल फ्लैग भी बोला जाता है। स्पाइरल फ्लैग क्यों बोला जाता है आप देख के समझ सकते हैं। इसका कारण ये है कि आप अगर देखेंगे तो इसकी जो लीव्स है वो स्पाइरल वे में अरेंज है अराउंड द ब्रांचेस, ब्रांचेस के साइड से पूरे स्पाइरल की तरह अरेंज है और ये डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन इसकी होती है, बहुत लीव फ्लैसी होती है इसकी, आप देख सकते हैं स्पाइरल की तरह अरेंज है। और जो इसकी लीव्स है वो बहुत ही फ्लैसी, बहुत अट्रैक्टिव होती है इसकी कलर, और इसका जो अरेंजमेंट है स्पाइरल अरेंजमेंट इस प्लांट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। नॉर्मली ये जो पौधे होते हैं वो टू थ्री फीट लॉन्ग होते हैं और इसकी जो फ्लावरिंग होती है, इस फ्लावर ऑरेंज येलो में शेड में आती है और वार्म मंथ में वो फ्लावरिंग करता है नॉर्मली, यानी कि बरसात के दिनों में आपका ये करेगा। और इसकी प्रोगेशन बहुत ही आसानी से आपके राइजोम के थ्रू होती है। इसकी जो रूट्स होती है वो राइजोम होती है, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं, तो जैसा अदरक में होता है वैसे ही इसके जिंजर की तरह इसका रूट्स होता है। इसकी राइजोम के थ्रू ही इसका प्रोगेशन होता है, मगर आप इसको कटिंग के थ्रू भी बहुत ही आसानी से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्योंकि राइजोमिया से तो आप नए नए छोटे छोटे पौधे निकालते रहते हैं और उसको तोड़ के आप मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से इसका प्रोपगेशन हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं इस प्लांट की रिक्वायरमेंट की, कैसे बहुत आसानी से इस पौधे को लगा लें। तो इसकी अगर मैं सॉइल की बात करूं, सबसे पहले हम सॉइल ले लेते हैं, तो अगर मैं सॉइल की बात करूं तो ये किसी भी भारतीय इंडियन सॉइल, किसी भी सॉइल में बहुत ही आसानी से ये ग्रो कर सकता है। मगर किसी भी पौधे को लगाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप इसमें वेल ड्रेन सॉइल लें। तो और वाटरिंग अगर हम बात करें तो इसको वाटरिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, वाटरिंग जो मिट्टी होती है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, मगर ज़्यादा वाटरिंग से, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो राइजोम होती हैं तो वो जड़ गलने लगती हैं, तो इसलिए आपको इसको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना चाहिए। सॉइल इसको आपको वेल ड्रेन सॉइल लेना चाहिए। और लाइट जो होता है, इसे लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये पौधा बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत अच्छे से आपका बढ़ेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। मगर इसको आप शेडेड एरिया में भी, पार्शियल शेड एरिया में भी रख सकते हैं, उसमें भी इसकी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। फर्टिलाइज़र का हम बात करें तो इससे ज़्यादा आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं पसंद, इसे अगर काउ मैन्योर दे, वर्मी कंपोस्ट दे, तो उसमें यह बहुत अच्छा चलता है और ये इंडियन क्लाइमेट में बहुत अच्छा होता है। इंडियन का नहीं है, ब्राज़ील का है, मगर बहुत अच्छे से चला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी बात कर लेते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये अस्थमा, बुखार, ब्रोंकाइटिस, शुगर में तो ये यूज होता ही, आयुर्वेदिक इसके बहुत सारे उपयोग है। और आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं इंसुलिन पौध को, ऑनलाइन ये बहुत अच्छे से आपको 150-200 रुपये में मिल जाएगा, मैं भी ये ऑनलाइन मंगाया है। इंडियन क्लाइमेट में बहुत अच्छे से चलता है ये। और इसकी जो लीव्स होता है, इसकी लीव्स का पाउडर फॉर्म में सुखा के भी आप इसको एक दो चम्मच यूज़ कर सकते हैं एक दो बार। अगर आपका शुगर लेवल 200 से ऊपर है तो आप इसकी रोज सुबह से हम एक पत्ता चबा कर इसका रस भी ले सकते हैं, तो 30 दिनों का इसका डोज होता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ पौधे के बारे में आपको बता रही हूँ, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर ली, या फिर मैं राजीव दीक्षित जी को फॉलो करती हूँ, आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको वीडियोस देख सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी पौधा है, इसकी डोज 1 मंथ की होती है, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत प्यारे पौधे को लगा सकते हैं।
किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा किसी भी। और ये पौधा आप ऐसे भी घर में हर्बल पौधा हमको रखना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।